के सत्संग के लिए मैं इनवाइट करूंगा शर्मा आंटी को, जिनको हम लस्सी आंटी के नाम से भी जानते हैं। तो शर्मा आंटी आप प्लीज आए और गुरु जी का सत्संग शेयर करें। गुरु जी के चरणों में शत शत प्रणाम। गुरु जी की सारी संगत को बहुत बहुत प्रणाम। जय गुरु जी, जय गुरु जी। आज बहुत ही अच्छा मौका आप लोगों ने दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी का धन्यवाद। आज मैं शुरू कर रही हूं कि जब जी मई का महीना आता है तो ये हमारा मंथ ही ऐसा है कि दिल चीर के ले जाता है। जैसे जी स्टार्ट होता महीना, शुरू होता महीना 31 के, वो सारा जितना भी दृश्य है वो सारा आंखों के आगे घूम जाता है। गुरु जी का बता रही हूं, ये पल पल हमें अंदर से कष्ट देता महीना बहुत ही ज्यादा। गुरु जी का बता रही हूं कि जैसे 31 मई से पहले गुरु जी ने जाने से पहले उनको ये बात बहुत देर पहले ही पता थी। उन्होंने जाने से पहले कितनी तैयारियां करी, चाहे वो बड़ा मंदिर था, चाहे वो छोटा मंदिर था, चाहे वो डुगरी का था, चाहे वो जलंधर वाला मंदिर था। गुरु जी ने ऐसे भगाया दौड़ाया सबको, ऐसे लग रहा था कि पता नहीं क्या करना चाह रहे गुरु जी। कई बार ये महसूस होता था कि पता नहीं गुरु जी ने डुगरी चले जाना वापस, जहाँ जलंधर वापस चले जाना। जलंधर वाले कहते थे कि पता नहीं दिल्ली में रुकेंगे। तो ऐसी ही कंफ्यूजन थी जब वो तैयारियों में लगे हुए थे। वो तो एक साक्षात ईश्वर थे, उनको सब पता था। बाकी जब जब भी कोई ईश्वर धरती पे आया, मनुष्य रूप में आया, चाहे कोई भी ईश्वर है, राम है, कृष्ण है, जितने भी ईश्वर धरती पे आए हैं, उन्होंने जाना ही जाना था। वो एक इंसान का चोला धारण करके आए, उनको जाना ही था। पर गुरु जी का जाना हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि हमारा जो प्यार था नसों के अंदर बस गया था। उनका इतना प्यार दिया संगत को, रोम रोम के अंदर उनका प्यार समा गया था। और ऐसे मौके पे उनका छोड़ के जाना बहुत ही दुखदाई है। गुरु जी का बता रही हूं, ये ऐसे उनका छोड़ना हुआ जैसे भगवान कृष्ण ने जब गोकुल को छोड़ा था, नंद यशोदा को छोड़ा था, सब अपने सखा को छोड़ा था, उसके बाद वो वापस नहीं आए थे। जहां उन्होंने मथुरा को छोड़ा, द्वारका में गए तो वापस नहीं आए। तो ऐसे ही हमारे भगवान आए, ईश्वर आए और हमें प्यार में उलझा के वो कहीं के कहीं चले। उनको याद करके हमारे बच्चे भी, जिन्होंने उनका प्यार देखा हुआ, उनके भी रोम रोम में प्यार वो समाया हुआ। हमारी बड़े वाली डॉटर बहुत ही गुरुजी के साथ अटैच थी, बहुत अटैच थी। वो अक्सर कहती थी कि मम्मा, कई बार मेरे को रात को नींद ना आए तो गुरुजी का जैसे ध्यान आता, तो रात को नींद नहीं आती और आंसुओं से पूरा तकिया भर जाता।
उन दिनों को याद करके कि गुरुजी ने हमें कितना प्यार दिया, कितना हमें दीवाना बनाया उस ईश्वर ने। और कई बार फील होता था उनके जाने के बाद हम क्या करेंगे। धीरे 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 हमें महसूस हुआ कि वो तो हमारे अंग संग है, वो कहीं गए नहीं है। उन्होंने एहसास करवाया, जब इंसान तड़फ के रोता, याद करके रोता, तो ईश्वर याद कराता कि मैं तो तुम्हारे साथ हूं, क्यों रो रहे हो। एक दिन ऐसे मेरे को बहुत ही उनकी याद आई, बहुत ही याद आई, तो मैंने उनको कहा, स्पष्ट कहा मैंने, अपने रूप से कहा कि हम तो भाई आपको याद करके रोते हैं, तड़फते हैं, क्या पता आपको हमारी याद आ रही है कि नहीं आ रही है, हम ऐसे रोते रहें और आपको पता भी ना हो। आदमी के मन में कंफ्यूजन आ जाती है कि हम उनको याद करके दिन रात रोते हैं, उनको हमारा पता नहीं ध्यान है भी है कि नहीं है ध्यान। तो उसी रात को गुरुजी ने दर्शन दिए और उनकी आंखों में टप टप आंसू बह रहे हैं। उन्होंने ये बताया कि अगर तुम मेरे को याद करके रोते हो तो मैं भी उतना ही याद करता हूं, और ये सही बात है, गुरु जी भी हमें याद करते हैं, वो भी हमारा उतना ही ध्यान रखते हैं जितना हम उनको प्यार करते हैं। ये तो प्यार की भावना है। उनकी कुछ यादें ऐसी हैं, वो यादें कौन सी हैं जो हमें बहुत ही तड़फाती हैं, यादें याद कर करके हम लोग रो पड़ते हैं, ऐसी कौन सी यादें उनकी। आज मैं उनकी छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी उनकी यादें जो आपसे शेयर कर रही हूं, वो यादें ऐसी हैं, हम उन दिन को याद कर रहे हैं कि एक ईश्वर जिसने झोली में सारी ब्लेसिंग डाल दी, अपने कितने स्वरूप उन्होंने मेरी झोली में फैला दिए, डाल दिए, शर्मा कर झोली कर पल्ला, ऐसा उनके अंदर उस टाइम कौन सा ऐसा प्यार था जो उन्होंने मेरी झोली में सबके बैठे ही सारे स्वरूप मेरे झोली में डाल दिए। उस याद को याद करके हम क्यों ना रोएं। उस ईश्वर ने जैसे वो अपने उनके रूम में अक्सर मैं दिल्ली मेरे को जाना पड़ता था क्योंकि उनके कपड़े दिल्ली जैसे वो 2 घंटे 3 घंटे की सिटिंग देते थे, उसके बाद वो चोला उतारते थे, चोला उतार के वो दे देते थे रात को चाहे 11 बजे। जैसे उन्होंने उठना अपनी सीट से तो मेरे को इशारा कर देते थे, गुरुजी आगे आगे और मैं पीछे पीछे। वो कदम आज भी याद है उनके, उनका चलना मटक मटक के, उनका जो स्टॉल था वो ऐसे पीछे आधा जमीन पे बिखरा होता था, आधा उनके आगे लटका होता था। उनका क्या रूप था उस टाइम, और मैं उनके पीछे पीछे जैसे रूम में जाती थी मैं घुटनों के बल बैठ जाती थी ऐसे, और अपना जो बैग था वो उसको आगे खोल देती थी। गुरुजी वॉशरूम में जाते थे, गुनगुनाते थे, उनका गुनगुनाना, उनका ऐसे गुनगुनाना, उनका वॉशरूम में जाना, कपड़े चेंज करना उनका,
तो ये चीजें हमें बहुत सताती हैं, उनकी यादें आती हैं। वो इतना कपड़ों को गुच्छो मुच्छो करके शर्मांटी अचुक सारे तो आके लिया और उनकी जो कपड़े होते थे, झोले होते थे, कई सिल्क के होते थे। एक बात हमेशा मेरे को कभी कभी कहते थे, शर्म आंटी कड़क करके लेके आना। ठीक है गुरु जी, ठीक है। और ये देखो जैसे उन कपड़ों को लेके जाना, सारा घर खुशबू से भर जाता था। धन्य है वो लड़का, उसका नाम राजू है, ड्राई क्लीनर का। वो भी धन्य हो गया। सुबह मॉर्निंग में आ जाता था 9 बजे और शाम को 5 बजे वो एकदम पैकिंग करके वो ड्रेस दे जाता था। और उन कपड़ों के लेके मैं गुरुजी के हम निकल पड़ते थे रास्ते में। उन दिनों गुरुजी के आगे फूल रखते थे हस्बैंड, बड़े प्यारे प्यारे फूल, क्या बुके बनाते थे। और मेरे को कई बार गुस्सा भी आता था कि आप इतनी देर लगा रहे हो, गुरुजी वहां इंतजार करते होंगे। तो ये यादें हैं उनकी। और उन फूलों को देख के गुरुजी खुश होते थे, मुस्कुराते थे। गुरुजी का अक्सर पल पल उनका, रात को उनकी आदत थी कारपेट के ऊपर लेट जाना। जैसे सब लोग चले जाते थे, थोड़ी संगत रह जाती थी, 2-4 कारपेट के ऊपर लेट जाते थे, उनको तकिया दे देना, कुशन दे देना सिर के नीचे। हम बड़े प्यार से उनके कोई दबा रहा, चरण दबा रहा, कोई टांगे दबा रहा, कोई हाथ को सहला रहा। और उस टाइम को छोटी छोटी बातें करते थे। और ऐसी कई बार बातें होती थी जिसका कोई मीनिंग भी नहीं होता था। और हमने भी उस टाइम मौका होता था कोई गुरुजी से बात करने, गुरुजी ऐसे, गुरुजी ऐसे। और कई बार गुरुजी बहुत ही जॉली मूड में होते थे। गुरुजी ने इतना प्यार दिया, इतना रिगार्ड दिया। गुरुजी का कई बार ऐसे होता था हस्बैंड के साथ बिजनेस की सारी बातें शेयर करते थे। इन्होंने कभी भी कोई काम उनसे बिना पूछे नहीं किया। एक बार मेरे को याद है कोई ऑफिस में, जम्मू एंड कश्मीर बैंक था वो अपनी बिल्डिंग में, उनको देना था। वो लोग कश्मीर में इनको बुला रहे थे बार बार मीटिंग के लिए, पर गुरुजी ने मना करा, शर्मा हल्ले ना जाई, जिद्दन में तेन कहांगा उदन जाई। एक वीक के बाद अचानक गुरुजी ने कहा, शर्मा चल कल फ्लाइट पकड़ ला ते जा, गल करके आ उन्होंने मीटिंग करके आ। ऐसी छोटी छोटी बिजनेस की बातें गुरुजी के साथ शेयर करते थे। गुरुजी हमेशा इनको गाइड करते थे, हस्बैंड को, शर्मा वो गल किदा तेरी, वो होया काम, वो फलाना किदा, वो ऐसा कैसे। तो ये छोटी छोटी बातें इनको भी बहुत याद आती हैं, हस्बैंड को भी बहुत याद आती हैं। कई बारी गुरुजी के साथ हमने अकेले सफर करा, अकेले सफर क्या करा, उस टाइम ड्राइवर को नहीं बैठाते थे, खुद ड्राइव करते थे। गुरुजी साथ होते थे, मैं भी होती थी। जब ड्राइव पे जाते थे तो रास्ते में कई बातें करते थे, गुरुजी कई सुझाव देते थे। कई बारी उन्होंने बड़े मंदिर लेके जाना, कई बारी वैसे ड्राइव पे लेके जाना। वो यादें जो रात को
हमने कभी भी गुरुजी को सोते हुए नहीं देखा था। आधी रात हो जाती थी कई बार, गुरुजी कहीं ना कहीं चल पड़ते थे, चलो कड्डो गड्डियां। पांच छह लोग हुए गुरुजी के साथ, कहीं ना कहीं राउंड लगा के आते थे। किसी होटल में गए, लॉबी में बैठ गए, किसी ने आइसक्रीम खाई, किसी ने कॉफी पी, पर गुरुजी को हमने कभी कुछ खाते पीते नहीं देखा। गुरुजी के साथ कभी डुगरी जाना, कभी जलंधर जाना, कभी ऐसे मौके भी आए हैं कि गुरुजी के साथ जैसे जलंधर गए हम, अब सफर करके तय करके सुबह से चले, शाम को पहुंचे हैं और रात को 12 बजे कहते चलो शर्मा हो ना, चलो कड्डो गड्डी दिल्ली चलो। ठीक है गुरुजी, जो हुक्म। अब सुबह के टाइम दिल्ली पहुंच गए, नहाए धोए, दोपहर हुई, मैसेज आ गया जी गुरुजी आपको बुला रहे हैं जलंधर। चल पड़े फिर जलंधर के लिए। जलंधर गए, अब रात हुई गुरुजी के पास जलंधर बंदर में रुके, रात हुई, चाहे वो 1 बजे 2 बजे कितने बजे भी छुट्टी हो, चलो शर्मा तुसी ऐदा करो JCT मिल फगवाड़ा रुको। ठीक गुरुजी, वहां अरेंजमेंट पूरा, JCT मिल फगवाड़ा रुके, चलो तुसी हुण लुधियाना रुको। ये देखो कि उनके हुक्म के अनुसार ही हम चलते थे। कई बारी बच्चे हमारे साथ होते थे, एक दिन बच्चे सत्संग के बीच में नहीं बैठते थे, छोटे थे उस टाइम, वो सारे सीढ़ियों में बैठते थे। जितना ग्रुप था बच्चों का, ये छोटे बच्चे ज्योति पूनम हमारे बच्चे, ये सारे सीढ़ियां जो थी जलंधर मंदिर के उसी में बैठ जाते थे। रात को गुरुजी कपड़े चेंज करके आए, उस दिन एकदम बच्चे धड़ धड़ करके सीढ़ियों से उतरे, गुरुजी के आ गए, गुरुजी स्मार्ट स्मार्ट गुरुजी। उस दिन उन्होंने रात का जो ड्रेस डाली थी, इतनी प्यारी ड्रेस थी कि हम भी दंग रह गए कि गुरुजी बहुत अच्छी ड्रेस लग रही है, गुरुजी बहुत अच्छी ड्रेस है। बच्चे भी चिपक गए गुरुजी के साथ, गुरुजी आज आप बहुत ही स्मार्ट लग रहे हो। गुरुजी क्या कर रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, मन मुस्कुरा रहे थे। तो ये यादें हैं जो हमारी उनके साथ जुड़ी हुई हैं। गुरुजी ने कैसे कृपा करी, बेटी की शादी में आए, कैसे वादे करे डॉटर के साथ मैं आऊंगा। उनकी आदत थी ये, कभी भी वादा करा वो हमेशा वादे को निभाते हैं। कोई बात उनको इतनी याद रहती थी, कोई भी डेट या कुछ है वो हमेशा कहते थे शर्मा वो फलानी डेट नू तेरा ये काम सेगा, हाँ जी गुरु जी, हाँ जी ठीक है, हाँ जी गुरु जी। शादी पे कैसे वो आए, कितनी कृपा बरसाई। और शादी ऐसे थी, खुद ही सारे कार्ड बांटे, शादी के खुद ही लिखे, खुद ही बांटे। और शादी के ऐसा था कि घर के अंदर शादी नहीं, शादी एम्पायर स्टेट के अंदर। एक वीक पहले इतना वार्म माहौल था, इतने संगीत कार्यक्रम चल रहे थे, लेडीज संगीत जो होता वो चल रहा था,
और गुरु जी बहुत ही खुश थे, बहुत खुश थे। गुरु जी ने उस डॉटर को इतना ब्लेस करा हुआ, इतना ब्लेस करा हुआ। आज उनके जो हस्बैंड भी, वो भी गुरु जी के पूरे दीवाने हैं, पूरी मेरे उनके ऊपर है, उस परिवार के ऊपर पूरी मेरे हैं। छोटी डॉटर पे भी है, बेटे पे भी है। बाकी एक आपको बात बताऊं कि गुरु जी की जो गंगा है, जो सागर है, वो बहरा, उस ईश्वर का सागर बहरा। ब्लेसिंग चल रही है, ये तो आपकी अपनी श्रद्धा का लोटा है कि आपकी कितनी श्रद्धा है, जो लोटा आपने उस सागर में से भरना, जितना आपकी श्रद्धा है उतना लोटा भर सकते हैं। उस शादी के अंदर भी जब गुरुजी वहां से वापस आए, गुरुजी संगत को, कईयों को कह रहे थे कि देखिया शर्मा ने बट कर देते, शादी दे बट कर देते। उनको ये नहीं कि बट तो गुरुजी ने निकाले, जो भी शादी में हुआ या कैसे हुआ, एक एक ब्लेसिंग उन्हीं की चल रही थी। ओपन में शादी कैसे बारिश को रोका, ये उनकी ब्लेसिंग्स हैं। कैसे वो जब जब भी आए, घर में आए, हमेशा अपने रूप से कहते थे, शर्मा में आ रहा, ठीक है गुरुजी। जहां जहां भी आए, चाहे वो शादी थी, चाहे घर था, चाहे नैनीताल था, गुरुजी अपने रूप से आए। गुरुजी की जो पुरानी संगत है, जैसे उस टाइम की संगत है, ये नहीं कि हर आदमी कहेगा, हर संगत का बंदा कहेगा, जितना प्यार मैं आपको बता रही हूं कि हमारे साथ प्यार था, वो संगत के सबके साथ था। उस टाइम जो प्रेजेंट थी, जो उनके क्लोज थे, हर एक से सत्संग सुनोगे, वो कहेंगे गुरुजी ने ऐसे, गुरुजी की ये यादें, गुरुजी की वो यादें, गुरुजी की बहुत ही यादें हैं। गुरुजी का एक दिन मेरे को एक बहुत, जब गर्मियों का मौसम आता है, ये याद आती है कि एक मेरे को मैंगो है, डींगा मैंगो, वो एक महीने या दो महीने के लिए वो मैंगो आता, चूसने वाला मैंगो। तो एक दिन में मैंगो गुरुजी के लिए लेके गए। मेरे को ये था कि गुरु, कोई भी चीज होती थी, हमें ये होता था है गुरुजी को दें, गुरुजी को दें, गुरुजी को अच्छी लगेगी। मैं मैंगो लेके गई, गुरुजी कहते है कि लेके आई है शर्मा आंटी, पीले पीले थे, येलो थे और बहुत ही अच्छे, जिसको कहते हैं ना चूसने वाले, वो महीने में, गर्मियों में सिर्फ सीजन में एक महीने या डेढ़ महीने के लिए वो मैंगो होते हैं, उसको बोलते हैं डींगा मैंगो। तो मैंने दे दिए। अगले दिन जब मैं गई, गुरुजी कहते भाई शर्मा आंटी, वे इतने अंब, इतने अच्छे अंब लेके आई है तू, है बहुत ही, हालांकि वो आम उनको सूट नहीं करते थे, फिर भी उन्होंने बताया कि मैं अंब चूपे, भाई बड़े स्वाद अंब सीखे। तो मैंने उस सीजन में गुरुजी को दो तीन बारी मैंगो लेके आई। एक दिन कहते शर्मा भाई ऐदा कर, उस टाइम जामुन का सीजन नहीं था, कभी ऐसा होता ना सीजन होता, कई बार फ्रूट का सीजन नहीं होता। शर्मा भी ऐदा कर, तू जामुन लेके आ, बड़ी आ जाए जामुन लेके आ, ये जामुन ढूंढे, जामुन कहीं मिले ना।
एक्चुअली हम रहते थे पश्चिम बिहार, ये स्पेशल क्रॉल बाग गए ढूंढने के लिए, कहीं जामुन मिले बहुत ही अच्छी। लेके आए गुरु जी, इतने खुश हुए जामुन देख के, इतने खुश हुए गुरु जी। गुरु जी का अगर हमें पता होता कि वो ईश्वर हैं, हमारा जो उनके साथ बैठना उठना वो अलग ही था, फैमिली की तरह था, जैसे एक परिवार के सदस्य हैं। गुरु जी के साथ जब हम डुगरी गए तो एक बार वापसी पे हम गुरु जी के साथ ही शाहबाद के मारकंडे जब आता तो वहां पंजाब में लेफ्ट साइड में वापसी पे एक प्रिंस होटल आता है, तो वहां हम रुके और हमने कुछ खाया पिया। गुरु जी अंदर गए बैठे, गुरु जी ने उस शॉप को ब्लेस कर दिया। नेक्स्ट टाइम जब हम वहां से फिर क्रॉस करा तो हमने सोचा कि जहां गुरु जी रुके थे हम उसी शॉप पे जाके, उसी रेस्टोरेंट पे जाके हम कुछ दोपहर का लंच करें। तो उस दुकानदार ने हमें पहचान लिया कि ये तो गुरु जी के साथ आए थे। उस दुकानदार ने कहा कि जब से गुरु जी के चरण जहां पड़े और मेरे नौ नीदा बारह सीधा हो गए और मेरा काम कहां से कहां बढ़ गया। वही उसी के साथ एक इम्पोर्टेड शॉप है जहां बाहर की चीजें मिलते हैं, और उस दुकान को देखने का मेरा बहुत हमेशा, जब भी हम क्रॉस करते तो वहां हम 10 मिनट ब्रेक जरूर लगाते हैं कि अंदर देखिए क्या क्या नई आइटम आई, क्या है, चाहे खरीदे ना खरीदे। तो मैं देख रही थी तो एक बहुत ही प्यारी चीज लग रही थी मेरे को, मैंने उन्हीं से पूछा जी क्या है जी? वो कहते जी ये बॉडी मसाजर है, तो इलेक्ट्रिक बॉडी मसाजर है। तो मैंने फौरन इनको बुलाया, मैंने कहा सुनो एक हमारी समस्या का हल हो गया। ये आपको मैं सत्संग ये बता रही हूं कि हमारी उस टाइम अकलें क्या थी, हमने गुरुजी को ईश्वर नहीं समझा था। तो मैंने कहा देखो जी गुरुजी के कभी कहीं दर्द, कभी कहीं दर्द, लोगों का कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं, कभी मुखियां हो रही हैं, कभी कुछ हो रहा उनके, मैं क्या सारी समस्या का हल ये मशीन है। मैं क्या चुप करके इस मशीन को चलाओ और उनसे सारा अपना सारा दबाव हो जाता। उसने एक्सप्लेन करा दुकानदार ने कि इसके क्या क्या फायदे हैं। हम जी पैकिंग करके, थोड़ी बड़ी मशीन थी, हम पैकिंग करके वो मशीन ले आए। जब मशीन लेके आए तो गुरु जी के पास गए शाम के टाइम, तो 5 बजे का टाइम था, पहले गए गुरु जी के पास। जब रूम में गए तो वो पैकिंग थी, तो गुरु जी कहते ऐ की लेके आए हैं। मैंने कहा गुरु जी देखते जाओ देखते जाओ। मैंने फौरन पैकिंग उनके सामने खोली और मैंने स्विच उनका था साइड पे, स्विच में लगाया मैंने और मैंने मशीन वो चला दी, वो मसाजर चला दिया और गुरु जी की बाजू पकड़ी और उसके ऊपर मैंने चलाना शुरू कर दिया। हस्बैंड भी बैठे हुए थे, गुरु जी हंस रहे थे। मैंने वो मशीन ऐसे घूम 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 करे और गुरु जी के ऐसे मसाज। अगर हमें पता होता कि भाई ये तो ईश्वर है तो ये हम बातें ना करते।
गुरु जी का ऐसे एक दिन गला खराब देखा मैंने। मैंने कहा गुरु जी आपका, आप अपना ध्यान तो रखते नहीं है, आपका गला खराब है। तो मैंने कहा मैं दवाई बना के लेके आऊंगी, कोई बहुत अच्छी है गुरु जी, बहुत अच्छी है, कल लेके आऊंगी। मैंने घर में वो शहद अदरक और जो भी सामान उसमें डलता मैंने डाल के एक छोटी सी कांच की शीशे में डाल के ले आई और गुरु जी को आके दी। मैंने कहा ऐसे करना आप थोड़ी सी कटोरी में डाल के इसको दिन में 2-3 बारी चाटो, देखो मैं क्या आपका गला कैसे ठीक होता गुरु जी। तो गुरु जी के साथ हमारा ऐसी बातें होती थी, हमें अकली नहीं थी कि गुरु साक्षात ये ईश्वर बैठे हुए हैं जिनके साथ हम बातें कर रहे हैं। गुरु जी का बताती हूं, एक गुरु जी मैं थोड़ा ज्यादा परेशान हो गई थी उनसे, क्योंकि घर में जब भी हम कोई बात करते थे, जब भी कोई बात करते थे, कोई सीक्रेट बात करनी, तो गुरु जी गोलमोल करके वो बात जब हम उनके पास आते थे वो बता देते, हिंट दे देते थे। जैसे एक दिन मैंने सोचा कि मैं उनके कपड़े लेके आ रही थी, गुरु जी के चोला लेके आ रही थी, तो रास्ते में ऑन द वे मैंने, आदमी कुछ तो सोचता ना, तो मैं सोचती हुई आ रही थी, मैंने कहा गुरु जी कहे चलो ड्रेसें तो दे देते हैं गुरु जी, तो बाकी उनके ये कपड़े जो भी है वो कौन धोता होगा, कौन धोता होगा। हल्का सा मेरे मन के अंदर ही ये बात आई, बात आई और चली गई। जब रात को छुट्टी का टाइम होने लगा, शर्मा आंटी मैं क्या, हां जी, मैं फटाफट रूम में गई। उस दिन गुरुजी ने अपना चोला वॉश के लिए नहीं दिया, मेरे आगे उन्होंने ढेर कपड़ों का लगा दिया, अपनी बनाने जो भी थी, लटरम पटरम सब, ए भी चुक। क्या मैं एक सेकंड सोचा कि गुरुजी ये तो धुल जाते हैं तो बाकी वो कौन धोता होगा। गुरुजी ने कहां से, वो आप सोच सकते हैं कि ईश्वर की कितनी पावर, वो सारे जितना था सामान में बैग में डाला और अगले दिन मैं सारा ड्राई करवा के गुरु जी को लेके आई। कई बारी सोचना बंद कर दिया था कि अगर हम कोई बात सोचेंगे तो गुरु जी को फौरन पता लग जाएगा। गुरु जी के जो वस्त्र थे, कपड़े थे, गुरु जी आप सोच सकते हैं उस ईश्वर के साथ हम डिस्कस करते थे, गुरुजी इवन बटन भी डिस्कस कर लेते थे। एक बार उनका मन था, एक नया नया बटन चला था डायमंड का, आज तो दुनिया भर के बटन चल रहे हैं, उस टाइम की बात है जी, 2000 सन की बात है, बटन वही चाहिए। एक बार कहते कि गुरुजी शर्मा मैनू कुर्ते पजामे दस किदां दे लगणगे, ये कहते गुरु जी आपको कुर्ते पजामे बहुत अच्छे लगेंगे, बहुत प्यारे कुर्ते पजामे लगेंगे। अगले दिन जे गए करोल बाग, बहुत प्यारे प्यारे गुरु जी के कुर्ते पजामे लेके आए। गुरु जी इवन अपने ड्रेसेस का डिस्कस करते थे, ए ड्रेस ए रंग ए ये वो। कई बारी संगत कह देती है कि जी गुरु जी ने ये रंग मना करा, गुरु जी ने वो रंग मना करा, ऐसा कुछ भी नहीं है। गुरु जी ने
कभी भी किसी चीज को मना नहीं करा। हाँ, पर्टिकुलर किसी की कोई बात हो, किसी को कलर ना हो, उनको पता लग जाए, ऐसा नहीं कि संगत के लिए उन्होंने कभी ड्रेसेस का कुछ नहीं मना करा कि कैसे कपड़े पहने कैसे नहीं पहने हैं। खुश होते थे कि क्या ड्रेसेस। एक उस टाइम पश्चिम बिहार में एक बहुत ही बुटीक था, अलका थी उनका बुटीक था, जहां से उस टाइम वो हमेशा कहती थी ए तुसी केड़े गुरु जी का काम करवा रहे हैं, एवं चक्करां च पए हैं, ये है वो है। आज वो सबसे ज्यादा दीवानी है गुरु जी की, जी के वन में है। तो ये छोटी छोटी बातें याद क्यों ना आए। गुरु जी की जो नंबर वन गाड़ी थी उस पे पहले वो चढ़े हुए थे वाइट कवर टावल टाइप, उसकी फ्यूज करवाए, कवर चेंज करवाए, मैरून कलर, रेड मैरून कलर। जो वाइट कवर थे जितने थे मैं लेके आई, गुरु जी ये वाइट कवर है सारे गाड़ी के, एनु कर ले जे, ब्लेस कर देता तेनु। तो जो काले रंग का कहते हैं ना, कई बार माइंड करते हैं जी पता नहीं काला रंग, गुरु जी ने मेरे को 2 सूट गुरु जी ने ब्लैक कलर के दिए थे, जो मैंने कितने पहने हैं। ऐसा कभी भी उन्होंने किसी चीज का माइंड नहीं करा, कुछ नहीं करा। वो तो एक ईश्वर ऐसे थे जिनका मैं बता रही हूं कि डिफरेंट ईश्वर थे, अलग ही टाइप के ईश्वर थे। उन्होंने इतनी मौजे हमें लगवाई। मैं जब भी नैनीताल जाती थी, जब भी नैनीताल जाती थी, और मेरी जो वापसी होती थी रात को 12-1 बजे, वो कितने प्यार वाले ईश्वर थे। हम कितने अपने हक से उनके पास आ जाते थे, जैसे रात को आना वो फौरन इशारा कर देते थे, किचन का जो लड़का होता था या कोई संगत का बंदा होता था उस टाइम, कि लंगर दियो, चाह दियो। उन्होंने कभी किसी को चाय के बिना या लंगर के बिना कभी भी जाने नहीं दिया, हालांकि वो लंगर डबल डबल दे देते थे। एक दिन मैं नैनीताल से आ रही थी, मेरे को बहुत ही टेम्परेचर था, बहुत टेम्परेचर हो गया, बाई चांस हो गया। गुरुजी को कह के गई थी मैं, गुरुजी एक दिन, और वहां लग गए मेरे को 2 दिन लग गए। जब वापस आई तो टेम्परेचर, और मैं ऑन द वे कभी गाड़ी में सोई नहीं, लेटी नहीं, और टेम्परेचर इतना था कि मैं गाड़ी में लेट गई। ड्राइवर हमारा बहुत अच्छा था, गुरुजी भी जानते उसको। तो मैं लेटी बेहोशी में, क्या नाम ले रही थी, आवाज मेरे मुंह से यही निकल रही थी, गुरुजी 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 गुरुजी, ऐसे जैसे आदमी बुखार होता उसमें बेहोशी में नाम लेता, गुरुजी गुरुजी। तो उसी टेम्परेचर में मैं सीधे गुरुजी के पास आई, लंगर किया, और भूल गई कि मेरे को टेम्परेचर है। गुरुजी कहते शर्मा आंटी चल अच्छा हो गया, आई है, ए भी ले जा, कपड़े भी ले जाए, मेरे फलाना भी कर रहा है, 2-3 बातें और उन्होंने बताई कि ए भी करना। तो जब घर गई तो मेरे को याद ही भूल गया कि मेरे को टेम्परेचर भी था। किसने ठीक किया? गुरुजी ने करा, वो रहमत है, वो इतनी रहमत बरसाते हैं, इतनी रहमत बरसाते हैं। ये तो छोटी छोटी यादें हैं जो मैंने आपसे शेयर करी, ऐसी हजारों और यादें हैं गुरु जी को, जो हमें
इस मंथ में तड़फाती हैं और हमेशा तड़फाती हैं। पर गुरु जी ने हमें ये एहसास करवा दिया कि मैं पल पल आपके साथ हूँ और वो 101% वो हमारे साथ हैं, हमारे दिलों में बसे हुए हैं, हमारे रोम रोम के अंदर गुरु जी। एक आज आपको बात बताऊं कि गुरु जी ये नहीं है कि वो मेरे पास है, गुरु जी संगत के हर संगत के दिल में है। ये संगत को है कि उन्होंने अपने गुरु को ढूंढना, उन्होंने अपने ईश्वर को ढूंढना, कैसे ढूंढना, वो तो हर संगत के दिल के अंदर बैठे हुए हैं। ये तो आपको पता होना चाहिए कि आपने अपने ईश्वर को कैसे ढूंढना। आपके अंदर ही आप, वो कहते हिरन है, उसको कस्तूरी खुशबू आती वो भागता दौड़ता, पर वो उसके पास ही होती है। गुरु जी आपके पास हैं, ईश्वर आपके पास हैं, वो हर टाइम आपके ऊपर कृपा बरसा रहे हैं। इस टाइम की बात बता रही हूं कि गुरु जी जैसे ये वक्त चल रहा, ये बहुत ही खराब वक्त चल रहा, गुरु जी इस वक्त में कैसे सबकी मदद कर रहे हैं वो आपको एक्सप्लेन करना चाह रही हूं कि कैसे मदद कर रहे हैं। ये जो वक्त आया ये गुरु जी ने पहले ही बता दिया था, कितने साल पहले बता दिया था कि वक्त आएगा, ये वही वक्त है। जब जब भी धरती पे पाप बढ़ता है, धरती माँ पे पाप बढ़ता है, वो कहते एक पाप का घड़ा भर जाता है, ये वो वक्त है कि पाप का घड़ा भर गया था, बहुत भर गया था। तो जो ईश्वर है, ये जो मार पड़ रही है, ये सारी कुदरत की मार पड़ रही है इस टाइम। आपने देखा कि जितने भी ईश्वर हैं, जितने भी देवी देवता हैं, सब के कपाट बंद हो गए, सब ने अपने मंदिर बंद कर लिए, सब कुछ, चाहे वो कोई भी है धार्मिक स्थान कोई भी है, इस टाइम सब बंद है। इवन गुरु जी का भी मंदिर बंद है। इस टाइम रक्षा कौन कर रहे हैं? हमारे गुरु जी। वो कैसे रक्षा कर रहे हैं? आपने देखा जितनी भी संगत है इस टाइम, पूरी चाहे वर्ल्ड वाइज जितनी भी कंट्रीज की संगत है, इस टाइम गुरु जी के साथ जुड़ी हुई है। दिन रात गुरु जी के शब्द चल रहे हैं, दिन रात उनके मंत्र जाप चल रहे हैं, लोग गुरु जी को बुला रहे हैं, पुकार रहे हैं। जिन जिनके भी ऊपर मुसीबत पड़ रही है वो गुरु जी को आवाजें दे रहे हैं, पुकार रहे हैं, गुरु जी उनकी पुकार सुन रहे हैं। मैंने कई लोगों की बातें सुनी है कि गुरु जी कैसे आईसीयू में घूम रहे हैं, कैसे उन्होंने ये देखा, कैसे वो देखा, ये उनकी बातें सच हैं। इस टाइम गुरु जी अगर थोड़ा बहुत हमें लॉस हो रहा हुआ लॉस हुआ उसके लिए भी हम प्रे कर रहे हैं। बाकी मोस्टली जितनी गुरु जी बचा रहे हैं, ऐसे ऐसे संगत है जो वेंटिलेटर पे भी पहुंच गई, जिनको 80% डैमेज हुआ, 90% डैमेज हुआ, वो भी गुरुजी निकाल के उस संगत को लेके आए। गुरुजी इस टाइम जितनी संगत है वो अपने अंदर ही बैठे हुए हैं। ये जो जूम पॉइंट चला है ये बहुत ही अच्छा है। गुरु जी इतने इस टाइम आप
बिलीव नहीं करोगे कि गुरु जी सबसे ज्यादा गुरु जी ही बिजी हैं। जितना आप मंत्र जाप कर रहे हो, सारी संगत, जितने शब्द कीर्तन चल रहे हैं, गुरु जी को उतनी ही भाग दौड़ लगी हुई है। वो सारी संगत के पास जा जाके, चाहे उनको कोई बुलाए ना बुलाए, पर वो हर संगत के पास जाके हालचाल पूछ रहे हैं, उनकी रक्षा कर रहे हैं, उनको गाइड कर रहे हैं। ये गुरु जी एक ऐसे ईश्वर हैं जिनकी हमें आज तक समझ नहीं आई। ये डॉक्टर भी बन जाते हैं, ये सर्जन भी बन जाते हैं, ये हर चीज। ऐसा कौन सा काम है, ऐसा वर्ड का कौन सा काम है जो गुरुजी नहीं करते? ऑफिसर भी वो ही बन जाते हैं। हर काम गुरुजी। इस टाइम जितना भी आप अपने अंदर पॉजिटिविटी लेके आओगे, जितने पॉजिटिव वाइब्रेशन लेके आओगे, उतना ही आपको फायदा है। आपको पॉजिटिव होना ही चाहिए। अगर आप नेगेटिव हैं, आपके अंदर नेगेटिव वाइब्रेशन है, इट मींस आप गुरुजी पे आपको भरोसा नहीं है, आप गुरुजी की लिस्ट में ही नहीं है। वो ही संगत जिनके अंदर पॉजिटिव वाइब्रेशन, बेशक आप कितने भी दुख में निकल रहे हैं, कितने भी आपको कष्ट इस टाइम चल रहे हैं, पर आपको पॉजिटिव रहना है। आपको अपने गुरु पे, अपने ईश्वर पे भरोसा करना। कभी चिंता मत करो। वो कहते चिंता चिता समान। जितनी चिंता करोगे, इट मीन्स चिंता आपने करनी है कि गुरु जी ने करनी है, उस ईश्वर ने चिंता करनी है? चिंता तो उनको होनी चाहिए। आपका सिर्फ काम इस टाइम सिमरन करना। जब भी मर्जी, गुरु जी ने ये नहीं कहा कि अपने घर के काम छोड़ दो या बाहर के काम छोड़ दो। गुरु जी ने कहा कि सिमरन आपके अंदर ही चलना चाहिए। जब जब आपके अंदर सिमरन चलेगा, जब जब आप गुरुजी को याद करोगे, आपको जितने आपके कष्ट हैं, चाहे कितने बड़े से बड़े कष्ट हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो कैसे निकल गए। कष्ट सबको आते हैं, हमें भी आते हैं कष्ट। इन्हीं दिनों 25 मई से लेके 15 मई के बीच में का जो पीरियड था वो अच्छा नहीं था। किसने करा? गुरु जी ने। बादल आए और छट गए। गुरु जी को इतना दिल से बुलाओ, दिल से अरदास करो गुरु जी को। कभी भी कोई कष्ट आए, दुख आए, भगवान नंगे पैर दौड़े आते हैं। बस अपने अंदर अच्छी भावनाएं रखो, अच्छे कर्म करो और अपना मन को पवित्र रखो, मन को कंट्रोल रखो, तो गुरु जी के आपके अंग संग है। वो ईश्वर आपके अंग संग है। एक मैं आपको बता रही हूं कि जो गुरु जी के मेन दरबार है, चाहे कोई दरबार है, बड़ा दरबार है, छोटा दरबार है, उनके हेड ऑफिस है, उनके हेड ऑफिस है, आपका ध्यान सिर्फ गुरु जी की तरफ, आपका जो कनेक्शन है, डायरेक्ट कनेक्शन है, वो गुरु जी के साथ होना चाहिए। अगर आप इधर उधर भटकोगे तो गुरु जी के पास कैसे पहुंचोगे?
उस ईश्वर के पास, ये तो उन्होंने साक्षात ही कहा हुआ, गुरु जी ने साक्षात ही कहा हुआ कि डायरेक्ट कनेक्शन मेरे साथ बनाओ। तो कभी इधर की उधर की बातें कभी मत सुनो, जो गुरु जी के शब्द हैं, जो असली शब्द हैं, गुरु जी के टाइम के ब्लेस करे हुए शब्द हैं, उनके अंदर पावर डली हुई है। जब कभी भी सत्संग करो, बहुत अच्छे अच्छे शब्द हैं, उनके बहुत अच्छे अच्छे गहराई से मीनिंग है, उन शब्दों को ध्यान से सुनो, वो गुरु जी के ही ब्लेस करे हुए शब्द हैं। आपको ये नहीं कि बाकी मत सुनो, बाकी आपकी अपनी मन की भावनाएं हैं, मन का प्यार है, प्यार से तो जो मर्जी सुन लो, पर जो सत्संग है गुरु जी का, वो उनके ब्लेस करे हुए शब्द हैं। गुरु जी तो एक बहुत ही सिंपल, उन्होंने तो कैसे एक परिवार सजाया, एक परिवार बना दिया, आप सोच भी नहीं सकते। आज आपके जो भी फैमिलीज बने, किसी के एक बच्चा या किसी के दो बच्चे या किसी के नहीं बच्चे हैं, या कोई बूढ़े हैं, गुरु जी ने क्या सारे अपने परिवार के साथ सबको जोड़ लिया? आप सोच सकते हैं कि जिनके एक बच्चा या दो बच्चे हैं, उनको परिवार कितना मिला? करोड़ों। और जितना परिवार गुरुजी का है, आप किसी से भी बात करके देख लोगे, आपको अंदर से भावनाएं ऐसी नजर आएंगी कि ये तो मेरा फैमिली मेंबर है। गुरुजी कहते थे कि असली परिवार मैं बना के चल रहा। ऐसी कौन सी मौजे हैं जो गुरुजी नहीं करवाते? उनकी जो भक्ति है उसमें रस है, उनकी जो भक्ति आपने फील करा, बोरिंग भक्ति नहीं, उनकी भक्ति में रस है, प्यार है। उनकी गुरुजी के टाइम जब हम कभी भी सत्संग होता था, 2 घंटे का सत्संग होता था, 7 से 9 बजे का सत्संग होता था, उसके बाद क्या गुरुजी एंजॉय करवाते थे, कवाली चलती थी, गीत चलते थे, पंजाबी गीत चलते थे, क्या उसमें रस नहीं था? संगत एंजॉय नहीं करती थी? गुरुजी का इतना मन है, भगवान शिव की तरह कोमल मन, साक्षात वो शिव रूप है, इतना दयावान है वो। उनकी आदत थी खिलाने की, अपने संगत को खुश देखने की आदत है कि मेरी सारी संगत खुश रहे और मेरी सारी संगत इंजॉय करे। आप पूरा साल देख लो कि कितने गुरुजी के फंक्शन आते हैं। आज चलो मंदिर बंद है, बड़ा मंदिर बंद है, नहीं तो आपने खुद देखा उनके फंक्शन, नए साल का फंक्शन, शिवरात्रि का फंक्शन, गुरु पूर्णिमा का फंक्शन, उनके बर्थडे का फंक्शन, उनके त्योहार जो भी आते हैं, सारे सर्दियों के त्योहार आते हैं, फंक्शन और साल का पता ही नहीं चलता कि वो साल गया कहाँ। लोग नए नए वस्त्र, जैसे बर्थडे उनका शुरू होता, लोग नए नए वस्त्र बनाते हैं, घरों में एंजॉय करते, सबके घरों में ऐसे है जैसे धूम मची होती गुरु जी का बर्थडे। तो सारा साल गुरु जी मौजें लगवाते हैं और आपको पता ही नहीं चल जाता कि वो साल कैसे बीत गया। सारी संगत गुरु जी के रंग में रंग जाती है। गुरु जी का बस यही मैं बात बताना चाहती हूँ कि अपने अंदर पॉजिटिव वाइब्रेशन रखो,
कभी भी अपने मन को नेगेटिव मत करो। कभी भी मुसीबत पड़ी है, बहुत गुरु संगत है, बहुत गुरु संगत है, एक दूसरे की हेल्प करो और हेल्प कर रहे हैं। ये जो बड़े मंदिर से मैनेजमेंट ने जूम चलाया, उनका इतना बड़ा शुक्राना, इतना बड़ा शुक्राना। आज गुरु जी भी बहुत प्रसन्न है, ये सेवा उन्हीं को मिलती है जो इस सेवा के लायक हैं। जितने भी सेवादार हैं वो ऐसे सेवा नहीं मिलती। गुरु जी जिसको सेवादार को लायक समझेंगे उन्हीं को सेवा मिलेगी। आज इस जून के थ्रू कितनों का भला हुआ, कितने दुखियों को सहारा मिला, कितने हमारा परिवार बढ़ा। आज पूरा वर्ल्ड जुड़ गया गुरु जी के साथ। कहां कहां से लोग जुड़ रहे हैं, कहां कहां से जूम पे सत्संग हो रहे हैं। ये गुरु जी की कृपा बरस रही है, गुरु जी की रहमत बरस रही है। गुरु जी का एक आपको बताऊं कि उनका गुणगान या महिमा हम गा नहीं सकते। ये हर संगत का कहना है कि उनके गुणगान इतने और उनकी महिमा इतनी है, वो गा नहीं सकते हम। गुरु जी का तरीके बहुत अलग हैं। गुरु जी के इतने तरीके हैं, वो ब्लेस करने के, वो कहीं से कहीं तीर कहीं निशाने, वो कैसे कैसे ब्लेस कर देते हैं संगत को। गुरु जी का एक और छोटा सा सत्संग सुना रही हूं कि एक बार 2017 में तरीके देखो उनके क्या हैं, उनको सब पता होता। जो संगत है, एक एक संगत में बच्चे भी आते हैं, परिवार भी आते हैं, सब लोग आते हैं। आपके आसी भी आते हैं, पड़ोसी भी आते हैं, रिलेटिव भी आते हैं। जो संगत घर का बेशक कहते एक मेंबर भी आ जाए वो सब को तार जाता है। 2017 में एक ऐसा ही, मैं एक छोटा सा सत्संग शेयर करती हूँ कि हर आदमी पे मुसीबत आती है। पीरियड ठीक नहीं था और गुरु जी को अरदास करी। गुरु जी कहते एक दिन कि एम्पायर स्टेट, जब कभी भी गुरु जी दर्शन देते हैं ये मत सोचो कि मेरे को ड्रीम आया, वो साक्षात गुरु जी का ही दर्शन होता है। ऐसे होता आप जाग रहे हैं या सो रहे हैं, गुरु जी अपना वो दर्शन उनके चल रहे होते हैं। एम्पायर स्टेट के अंदर गुरु जी अपने रूम में से निकले और अपनी सीट पे आए, संगत बैठ गई और मैं गुरु जी के पास खड़ी। जब पास खड़ी गुरु जी के पास है तो गुरु जी ने मेरी तरफ देखा। मेरी तरफ जब देखा तो मैं आंखों में आंसू। जब गुरु जी प्रेजेंट थे तब भी हम कोई बात सुनते थे, उनके आगे कान कर देते थे, और जब उनको भी कभी बात हम सुनाते थे तो उनके कानों में ही बात सुनाते थे, कानों के नजदीक जाके कि गुरु जी ये बात है। तो मैंने जब गुरु जी को आंसू मेरे देखे, गुरु जी ने कहते तू की बोझ पाई बैठी है, तू की बोझ पाई बैठी है शर्मांटी,
मैं फौरन गुरुजी को अपने गले से ऐसे लगाया और उनके कान में मैंने बात करी गुरुजी के। तो और फिर मैंने उनको नीचे से पकड़ा, चेयर पे बैठे हुए थे, नीचे से पकड़ा और मैं ऐसे रोने लग गई गुरुजी के साथ। जब रोने लग गई तो गुरुजी कहंदे हैं घबरांदी क्यों या? तो मैं उठ के खड़ी हुई और उन्होंने लेफ्ट साइड से एक रेड कलर का गोला निकाला, धागा, रेशमी धागा था। वो रेशमी धागा उन्होंने अपने हाथ के ऊपर लपेटा और मेरे को कहा लेफ्ट साइड पे, मेरा हाथ पकड़ के कहंदे एथे बन ला, ये ट्रीटमेंट देखो कैसे गुरुजी का। और मैंने वो धागा बांध, जो भी मुसीबत थी या कुछ था, कष्ट था, वो यूं निकल गया। 2017 की बात, आज 2021 है, स्टार्टिंग की बात थी, आज 2021 है और धागा वैसे का वैसे आज भी वो बंधा हुआ है। कई बार हम धागा बांधते हैं, कोई भी आप देखोगे धागे के बनते हैं, महीने बाद या दो महीने बाद उतर जाते हैं या खुल जाते हैं या कहीं हो जाता। गुरु जी का बंधा हुआ धागा वो आज तक भी, कितने साल हो गए, वो एज इट इज ऐसे का ऐसे बंधा हुआ है। उनका ट्रीटमेंट करने का अलग ही ढंग है, अलग ही तरीके हैं। एक बार हमने डुगरी जाना था तो गुरुजी की समाधि के लिए जाना था, दिवस के लिए जाना था, वहां पे 2-3 दिन का हमें रुकना था। तो परिवार ने प्रोग्राम बनाया तो छोटी डॉटर कहती कि मेरा प्रोग्राम नहीं बन रहा। हमने कहा कि ऐसा क्या बात है कि मेरा प्रोग्राम नहीं बन रहा? कोई बात नहीं बेटे, प्रोग्राम कोशिश करो बनाने का, सारी फैमिली जा रही है तो आप लोग भी चलो, डुगरी में हम 2-3 दिन रुकेंगे और जल्दी हुआ तो आप आ सकते जल्दी। डॉक्टर ने बताया कि पता नहीं मेरा तो प्रोग्राम बन ही नहीं रहा। तो हमने भी कहा भी, हमने कहा कि जो गुरुजी की इच्छा है वो ही करना चाहिए। आप ये देखो, कभी भी आप कहीं भी गुरुजी के स्थान पे जाते हो, उनकी मर्जी से ही जाते हो। जब उनकी मर्जी नहीं होती तो आप कहीं भी नहीं जा सकते। अब सारी फैमिली जा रही है तो डॉक्टर को उन्होंने रोक लिया। जिस दिन, खैर वो सोच रही थी कि गुरुजी ने मेरे को क्यों रोका, चलो ठीक है कोई बात नहीं, जैसे गुरुजी आपकी मर्जी है। जिस दिन समाधि दिवस था, उस दिन की बात है कि सुबह सुबह उसकी जेठानी है वो उसके पास मॉर्निंग में आती है, कहती कि मेरे को रात गुरुजी सपने में आए और जो बेटा है उदय वीर वो ट्रक के आगे आ गया और गुरुजी ने आगे होके ट्रक के नीचे आने लगा था, गुरुजी ने बचा लिया। डॉक्टर कहने लगी कि गुरुजी तो मेरे हैं, मेरे गुरुजी हैं, तो ये देखो गुरुजी मेरी भाभी के ड्रीम में आया, जेठानी के ड्रीम में आया और मेरे आए नहीं गुरुजी। बात खत्म हुई। दोपहर का टाइम समाधि दिवस था उस दिन, तो ये सब लोग दोपहर को जब किचन का सारा काम खत्म हो जाता तो कोई रेस्ट करने लग जाता, कोई कुछ हो जाता, जो किचन का लड़का वो भी अपने बाहर चले जाते हैं। तो इनका बड़ा बेटा शरारती था, चॉकलेट किचन के ऊपर छुपा रखी थी, उसने सोचा कि इस टाइम तो सब लोग अपने अपने रूम में हैं और मेरे को कोई भी नहीं देख रहा। उसने अपनी स्टूल के ऊपर रखा कुछ, चढ़ा वो जाके अलमारी के ऊपर चढ़ के वो चॉकलेट निकालने, क्योंकि उसको चॉकलेट मना थे।
चॉकलेट जैसे वो निकालने लगा कि तारों में शॉर्ट सर्किटिंग हो गई, दोनों तरफ आग और बीच में बच्चा। बच्चे ने जैसे आवाज चीख मारी और डरे डरे चीख भी ना मारे क्योंकि वो लटका हुआ था बीच में, दोनों बोथ साइड आग थे। इतने में आवाज सुन के डॉटर भागी आई, क्योंकि लड़का जो सर्वेंट ऊपर सोता है, डॉटर भागी आई, हस्बैंड भी नीचे ऑफिस में थे। उसने फौरन फटाफट कार्रवाई करी, जो भी था भागे दौड़े, जो मेन स्विच था वो बंद करा। आप ये देखो कि बच्चा कैसे बचा। ये किसने बचाया? गुरुजी ने। गुरुजी हमारी एक एक चीज उनको पता है। अगर वो डॉटर उस दिन हमारे साथ डुगरी में होती तो घर में क्या होता? पीछे गुरुजी ऐसे होने देते हैं? गुरुजी को आने वाली मुसीबत का पता था। गुरुजी ने इसीलिए डॉटर को नहीं डुगरी में आने दिया। उसी टाइम शाम को फोन आया कि गुरुजी ने क्यों नहीं मेरे को आने दिया। बहुत बहुत लाख लाख शुक्राना गुरुजी का, लाख लाख शुक्राना गुरुजी का कि गुरुजी ने बेटे को कैसे बचाया। सो ये है रहमतें गुरुजी की। गुरुजी की बहुत यादें आती हैं जो हमें तड़फाती हैं, हमें रोने पे मजबूर भी करती हैं, पर जब वो एहसास करवाते हैं कि गुरुजी कि मैं आपके अंग संग हूं, हौसला भी वही देते हैं, अंदर पॉजिटिव वाइब्रेशन भी वही देते हैं। सो सारी संगत से फरियाद है, सारी संगत में गुरुजी के निजमों को फॉलो करना, तभी गुरुजी प्रसन्न होते हैं। बहुत अच्छा लगा आज इस मेरे को आप लोगों के साथ, आप संगत के साथ रूबरू होने का मौका मिला। बहुत बहुत मैनेजमेंट का भी बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी।